विंटर सीजन में आपके फेस ज्यादा डॉल हो रहा है, सूखा रूखा दिख रहा है, शाइनिंग नहीं है फेस के ऊपर, कोई बात नहीं। आज मैं आपको आपकी फेस की कैसे केयर लेंगे विंटर में उसके बारे में दिखाऊंगी। आपको टाइम नहीं हो रहा है फेशियल वगैरह करने के लिए, कोई बात नहीं, आपको मैं फेस की क्लीनअप दिखाऊंगी, कैसे आप आपकी फेस की केयर ले सकते हैं विंटर में और आप कैसे शाइनिंग और स्मूथ स्किन पा सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमिता ब्यूटी। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर पहली बार आई है तो मैं हूँ नमिता, मेरे चैनल के नाम नमिता ब्यूटी से, और इसमें मैं पार्लर में जो जो काम होता है उसका वीडियो डालती हूँ। हेयर कटिंग से लेकर स्मूथनिंग, कैरेटिंग, फेशियल, बहुत सारा फेशियल है, आप जाकर देख सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फेस के क्लीनअप। विंटर सीजन आ रहा है, सभी को टेंशन हो गया कैसे फेस की केयर लेंगे। विंटर सीजन में फेस ज़्यादा डॉल हो जाता है, सूखा हो जाता है और शाइनिंग भी कम हो जाता है। लेकिन आपको फेशियल भी करना जरूरी है, जब भी फेशियल आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए आप क्लीनअप भी कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, पार्लर में जाकर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगी क्लीनअप करने की, सही तरीका विंटर में कैसे हम क्लीनअप करते हैं। विंटर में क्लीनअप थोड़ा अलग भी होता है, फेशियल भी अलग होता है, इसलिए मैं आज आपको विंटर में कैसे आप आपकी फेस की क्लीनअप कर सकते हैं, केयर ले सकते हैं उसके बारे में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। फेस को केयर लेने से क्या होता है, फेस शाइनिंग करता है, स्मूथ दिखता है, सॉफ्ट लगता है, इसीलिए आप क्लीनअप करिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं हम क्लीनअप स्टेप बाय स्टेप, और वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए तो आपको मालूम होगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे क्लीनअप करना। क्लीनअप करने से पहले फेस को हम थोड़ा स्टीम दे देंगे। स्टीम देने से क्या होता है, फेस थोड़ा जो सूखा हो जाता है उसको सॉफ्ट करता है, स्किन को सॉफ्ट होने से आप जो मसाज करेंगे उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसीलिए पहले स्टीम देंगे। समर सीजन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन विंटर चल रहा है, ज़्यादा सूखा हो जाता है स्किन, इसीलिए स्टीम पहले दिए। उसके बाद हम कोई भी टोनर से फेस को क्लीन करेंगे, जो भी डस्ट वगैरह हो, जो भी फेस में जमा हुए वो रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी क्लींजर, मैंने एलोवेरा का क्लींजर अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास जो भी क्लींजर है आप ले सकते हैं, जेल बेसिस में ले सकते हैं, क्रीम बेसिस में भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। क्लींजर हमने 5-6 मिनट मसाज करते उसके बाद उसको रिमूव कर देंगे और अप्लाई करेंगे स्क्रब। विंटर में स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है, स्क्रब करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो डेड सेल उसको भी रिमूव करने में हेल्प होता है, स्क्रब को पोल्स ओपन होता है, इसीलिए स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है। आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम है तो इस स्क्रब में भी आप मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो
जो भी स्क्रब है आपको सूट करता है वो ले सकते हैं। मैंने पपिया का स्क्रब ली है। पपिया का स्क्रब बहुत अच्छा काम करता है, इसमें दाग वगैरह दूर करता है, जो पिगमेंटेशन होता है स्किन के ऊपर वो भी रिमूव करता है, इसीलिए मैंने पपिया का स्क्रब ली है। आप जो भी आपको पसंद है आप स्क्रब भी ले सकते हैं। स्क्रब हम करेंगे 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपको लग रहा है ज़्यादा स्किन आपकी डल हो गया, सूखा दिख रहा है, ड्राई दिख रहा है, तो आप इसमें स्क्रब के टाइम आप स्टीम भी दे सकते हैं फेस के ऊपर, नहीं तो ऐसे ही स्क्रब करिए। पहले स्टीम दिया है इसीलिए ये आराम से हो जाएगा। स्क्रब हमारा हो गया, उसको हम रिमूव कर देंगे। और क्या करेंगे, मैंने तो बीच में नहीं दी थी स्टीम, इसलिए मैंने फिर से स्टीम दूंगी और ब्लैक हेड्स रिमूव करूंगी। जिसका भी ब्लैक हेड्स हो और व्हाइट हेड्स हो उसको रिमूव करने के लिए स्टीम देना ज़रूरी है। स्टीम देने से वो सॉफ्ट हो जाता है और रिमूव होने में बहुत हेल्प करता है। आपके पास पिन हो तो इसमें करिए, नहीं तो मशीन वगैरह कोई भी है, कुछ है तो उसमें भी ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स रिमूव हो गया, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पैक। कोई भी पैक लगा सकते हैं, पपिया का पैक भी आता है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सैंडल का पैक लगा रही हूँ। पैक लगाने से क्या होता है, जो पोर्स ओपन हो गया स्क्रब के और स्टीम के कारण उसको क्लोज करना ज़रूरी है। मैंने सैंडल का पैक को रोज वाटर में मिक्स कर लगाई हूँ। रोज वाटर बहुत अच्छा काम करता है और 10 मिनट सूख जाने के बाद उसको रिमूव करेंगे वेट टिश्यू से। पैक के बाद हम अप्लाई करेंगे कोई भी टोनर, फेस के ऊपर स्प्रे कर देंगे टोनर। टोनर अप्लाई करने से क्या होता है, फेस जो सूखा होता है उसको भी कम करता है, इसीलिए टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर सूख जाने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। टोनर को मसाज नहीं करेंगे, टोनर को सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर
अप्लाई करेंगे। विंटर में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइजर से स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है। मॉइस्चराइजर रोज लगाइए रात में तो बहुत अच्छा काम करता है। देखिए कितनी, तो देख ली कैसे हमने क्लीन अप की प्रोसीजर कैसे था। आप इस तरह से कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप जाकर पार्लर में कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आपको आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कैसा लगा मेरा वीडियो। तो रहती हूँ।